स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है स्पाइडरमैन के थ्रू कि उसे किस तरह से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने खाया था और उसे बना दिया स्पाइडरमैन, जहां पर वो दुनिया को बचाता है, डेट करता है और काफ़ी सारी चीज़ें, जहां पर वो ये भी बताता है कि वो कई बार लोगों से मार खाता है लेकिन उठ खड़ा होता है फाइट के लिए अपने शहर को बचाना है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे माइल्स को दिखाया गया है जो कि एक हाई स्कूलर बच्चा है, जहाँ पे उसके डैड बुलाते हैं उसे तैयार होने के लिए क्योंकि अब वो स्कूल जाने वाला है। फाइनली इस न्यू स्कूल में उसने एडमिशन तो लिया होता है लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं होता कि वो इस स्कूल में जाए। फाइनली उसकी मॉम उसे किस करती है और हग करते हुए अलविदा कहती है, जहाँ पर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलते हुए एक डायरेक्शन बोर्ड को टच करता है लेकिन उसी दौरान वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो अपने डैड के ही गार के सामने गिर। फाइनली उसके डैड अब उसे लिफ्ट देते हैं स्कूल तक। माइल्स अब स्कूल में काफी ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है लेकिन उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, जैसे वो लेट हो जाता है क्लासेस अटेंड करने में। फाइनली वो बताता है कि टाइम रेलेवेंट होता है इसलिए मैं जल्दी नहीं, आप लोग जल्दी आ गए हो। फाइनली वो क्लास लेने के दौरान ग्वेन से बात करता जो कि उसकी नई दोस्त बनने वाली है। दूसरी तरफ उसकी मैम उसे क्लासरूम में बुलाती हैं और डांट लगाती है इस चीज़ के लिए कि वो इस तरह से बिहेव ना करे, जबकि उसे सारे आंसर्स आने के बाद भी वो आंसर्स को नहीं लिखता, तो प्लीज़ ऐसा ना करे, और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर लिखने के लिए वो चीज़ें दे देती है। फाइनली हमारा जो माइल्स होता है वो अपने अंकल से मिलने जाता है, जहाँ पर उसके डैड का मैसेज आता है कि कल उसका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करे, जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं छोड़ो ये सारी चीज़ें, चलो हम ग्रिफ्टिंग के लिए एक नई लोकेशन पर चलते हैं। यहाँ पास से वो लोग एक नई लोकेशन पर जाते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि अब वहाँ पर जाना मना होता है, लेकिन फिर भी माइल्स और उसके अंकल उस जगह पर पहुँच कर ग्रिफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे उसके अंकल को एक मैसेज आता है जहाँ पे उसे चलने के लिए कहते हैं। माइल्स भी चलने के लिए रेडी होता है तभी वो एक फ़ोटो खींचने वाला होता है जिस दौरान उसे एक स्पाइडर काट लेता है और अब उसके अंदर के सेल्स चेंज होने लगते हैं लेकिन वो स्पाइडर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद भी वो रात भर सो नहीं पाता क्योंकि उसका दोस्त रात भर लैपटॉप पे बिजी रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे माइल्स का एग्जाम भी है तो वो रेडी हो। जब वो सुबह कपड़े पहन रहा होता है उस वक्त उसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे होने लगते हैं और आसपास के सभी लोगों की बातें उसे सुनाई देने लगती है, जहाँ पर उसे ग्वेन मिलती है और ग्वेन के सामने भी उसके पसीने छूट रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो स्टाइल मारता है लेकिन उसके हाथ से बाल चिपक जाते हैं ग्वेन के। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है जहाँ पर माइल्स के हाथ पर वो बाल लगा होता है क्योंकि ग्वेन ने अपने बाल कटवा दिए होते हैं। फाइनली उसे काफ़ी ज़्यादा वॉइस सुनाई देती है और गार्ड उसे रोक लेता है कल रात के लिए क्योंकि वो कल रात अपने अंकल के साथ होता है, तो बच्चे बताते हैं कि वो आपकी रूम में है यानी सिक्योरिटी रूम में, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचा देता है और खिड़की से बाहर गिरता है जिस पर वो चिपक जाता है और ग्वेन उसे देख लेती है कि वो इस दुनिया का स्पाइडरमैन है। मैं बता दूं कि ये ग्वेन भी आगे चलकर आपको इसके एक बड़े राज पता चलने वाले हैं। माइल्स को दिखाया जाता है जो कि कॉमिक पढ़ते हुए स्पाइडरमैन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान रहा होता है, जहां पे वो सारे पेजेस उसके हाथ में ही चिपक जाते हैं और अब वो अपने अंकल एरन को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। उसी बीच उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है लेकिन वो काफ़ी अच्छी फ्लिप मारता है और वहां से बच जाता है, जहां पर आसपास लोग तालियां बजाते हैं उसके लिए। अब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इसलिए वो उस टनल में जाकर देखता है जहाँ पर वो मकड़ी ने अभी अभी उसे काटा होता है। अब ये खुद भी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया माइल्स को जो कि उसी जगह पर होता है जहाँ पे स्पाइडरमैन फाइट कर रहा होता है ग्रीन गॉब्लिन से। अब यहाँ पे गॉब्लिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है इस दुनिया वाला, जहाँ पे माइल्स गिरने वाला होता है तो स्पाइडरमैन उसे बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर पता चलता है स्पाइडरमैन को कि माइल्स मोरेल्स भी उसी की तरह से एक नया स्पाइडर है, जहाँ पर दोनों ही देखते हैं कि कोलाइडर चालू होने वाला है, तो यहाँ पर वो इस कोलाइडर को बंद करना चाहता था स्पाइडरमैन क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ब्लैक होल क्रिएट होगा जिससे सारी दुनिया आपस में टकरा जाएंगी और तबाह हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया किंग पिन को। किंग पिन काफ़ी खतरनाक विलन है जो कि इस यूनिवर्स पे तबाही लाना चाहता है। एक्चुअल में वो अपनी फैमिली वालों से मिलना चाहता है इसलिए वो कोलाइडर को ऑन करवाता है जिससे वो अपनी फैमिली वालों को बुला सके इस जगह पर। ग्रीन गॉब्लिन गलती से स्पाइडरमैन को उसका मुंह उस कोलाइडर के अंदर डाल देता है जिससे स्पाइडरमैन काफ़ी सारी रियलिटीज़ को देखता है और वो माइल्स को समझाता है कि तुम मेरी तरह हो इसलिए इस चॉकलेट को पकड़ो। एक्चुअल में वो पेन ड्राइव होता है जिसपे वायरस भरा पड़ा होता है जिससे वो कोलाइडर को बंद कर सके, तो वो माइल्स को जाने के लिए कहता है और कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, जहाँ पे किंग पिन आ जाता है इस रियल स्पाइडरमैन के पास और उसका मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वैसे ही गंगाधर ही शक्तिमान है। खैर यहाँ पर हमें बताया जाता है
किंग पिन के द्वारा कि वो इस चीज़ को वापस ऑन करेगा और यहाँ पर तबाही मचाएगा। लेकिन किंग पिन माइल्स को भी देख लेता है, इसलिए वो अपने एक साथी को उसके पीछे भेज देता है, जहाँ पर हमें दिखाया गया माइल्स को जो कि बचते बचाते उस जगह से भाग रहा होता है। अब यहाँ पर वो शैतान भी उसके पीछे पड़ा होता है जो कि माइल्स को मारना चाहता है। माइल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए वो अपने डैड के घर पर पहुंचता है और उन्हें गले लगा लेता है, जहां पर उसके डैड कहते हैं तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम अपने हाई स्कूल वाले ही जगह पर सोओगे। लेकिन यहां पर हमें पता चलता है माइल्स को कि अब स्पाइडरमैन इस दुनिया में नहीं रहा, यानी पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन है वो अब नहीं रहा इस दुनिया में। इसलिए वो जाता है, एक स्पाइडरमैन का सूट खरीदता है और ये कोई और नहीं स्टैनली ही उसे ये सूट बेचते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि कभी ना कभी तुम्हें ये सूट ज़रूर फिट आएगा, जहाँ पर लिखा था नो रिटर्न्स और रिफंड नेवर। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया माइल्स को जो कि भाषण सुनने के लिए आया होता है मैरी जेन का। अब इस दुनिया की जो मैरी जेन है उसके पीछे आंट मे भी खड़ी होती हैं और वो सभी के सभी लोगों की कॉमिक पढ़ना चालू करता है स्पाइडरमैन का, जिससे वो जान सके। इसलिए वो भी हाई जंप मारने के लिए जाता है बिल्डिंग से और उसके हड्डियाँ टूट जाती है, और उसी के साथ उसने उस चॉकलेट को भी तोड़ देता है, पेन ड्राइव को। खैर, यहाँ पर हमें माइल्स को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, इसलिए वो पीटर पार्कर के ग्रेवयार्ड पर आता है, जहाँ पर उसे अलग डायमेंशन का पीटर पार्कर मिलता है, जहाँ पर उस पीटर पार्कर ने माइल्स को पूछने की कोशिश करता है, जहाँ पर माइल्स उसे बेहोश कर देता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर से। और ये अलग डायमेंशन से आया हुआ पीटर बी पार्कर है और यहाँ पर ये दुनिया को बचाया इसका डायवर्स। नए डायमेंशन के लिए कोलाइडर ने एक ऑन किया पोर्टल और जिससे वो खींचा चला आया इस दुनिया में, और यहाँ पर उसे पता चला कि पीटर पार्कर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये जवान वाला पीटर पार्कर है, जहाँ पे माइल्स मोरेल्स पीटर बी पार्कर को अपने घर पर लेकर जाने की सोचता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहता है। उसे बांध देता है पीटर बी पार्कर को और पूछता है कि अगर तुम अलग डिमेंशन से आए हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और पीटर पी पार्कर को पता चलता है कि एक कोलाइडर है जिसके थ्रू वो अपने यूनिवर्स में जा सकता है, जहाँ पर वो उससे चॉकलेट मांगता है, लेकिन वो कहता है कि चॉकलेट मैं नहीं दे सकता क्योंकि चॉकलेट टूट चुका है। जहाँ पर पीटर पी पार्कर कहता है इसीलिए मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। फाइनली वो माइल्स उस पर इमोशनल अत्याचार करता है तो वो उसे सब कुछ सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे पीटर बी पार्कर और माइल्स मोरेल्स दोनों ही रेडी हो जाते हैं किंग पिन के ऑफिस जाने के लिए, जिससे वो कोलाइडर की जानकारी निकाल के पीटर बी पार्कर को उसके यूनिवर्स में भेज सकें। और ये लोग रेडी होते हैं अपने प्लान के साथ, जहाँ पे पीटर बी पार्कर अपना प्लान बताता है कि वो जाएगा और जल्द से जल्द वहाँ के कोलाइडर की सारी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में सेव करेगा। सिर्फ माइल्स को बाहर खड़े होकर पहरेदारी करनी होगी, जहाँ पर वो देखता है कि किंग पिन वहीं पर आ रहा है। इस चीज़ को देखते ही वो स्पाइडरमैन को बताने चला जाता है और बताता है कि यही किंग पिन है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होती है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन जल्द से जल्द डेटा कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स की एक नई पावर का यह पता चलता है जो कि वो खुद भी गायब हो सकता है। यहाँ पर हमें डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस को दिखाया गया है जो कि हमारे दूसरे डायमेंशन से आए हुए स्पाइडरमैन की बढ़िया सी खातिरदारी कर रही है। यहाँ पर इनके बीच में फाइट हो रही होती है। दूसरी तरफ माइल्स उस पूरे के पूरे कंप्यूटर को ही अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। अब इस चीज़ को ग्वेन देख लेती है और वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है साइंटिस्ट की कैफेटेरिया में, चूंकि गन लेकर खड़े होते हैं सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने डोनट चुरा के भागे हैं। दूसरी तरफ माइल्स अब स्विंग नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फाइनली वो कैसे भी करके ये चीज़ सीख ही जाता है, जहाँ पे स्टेसी आती है और इनकी जान बचा लेती है उस डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस से, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी बताती है कि उसे एक ऐसी तरह से एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने दुनिया को बचाया, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने दोस्त को ही बचाना भूल गई, इसलिए उसने दोस्त बनाने छोड़ दिया। और एक दिन उसके अलग डायमेंशन से एक पोर्टल खुला और वो इस डायमेंशन में पहुंची, जहां उसे पता चला कि पीटर पार्कर इस दुनिया में नहीं है। फाइनली उसकी सेंसेस ने कहा कि उसे स्कूल जाना चाहिए, तब वो माइल से मिली थी और इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और किंग पिन को दिखाया गया है, जहाँ पर वो अपनी फैमिलीज को याद करता है और उनके साथ बिताए हुए कुछ पलों को, जहाँ पर वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने के दौरान अपनी बीवी को खो देता है क्योंकि उसकी बीवी डर कर मारे भागती है और कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के थ्रू कि यहाँ पर तीन स्पाइडरमैन हैं जो कि आपस में ही बात करते हैं। और अब ये फाइनली पहुंचते हैं अब आंट मे के घर पे, जहाँ पे आंट मे अब पीटर पार्कर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो। जिसके बाद ये तीनों ही उनके साथ निकल पड़ते हैं एक ऐसे स्टोर रूम के अंदर, जहाँ पे पीटर पार्कर ने ऐसी चाबी बनाई थी या फिर कहूँ चॉकलेट, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ख़राब हो चुकी। तो आंट मे कहती है कि मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये चॉकलेट बना था। पर आंट मे उन्हें अंडरग्राउंड होते हुए लेकर जाती हैं काफ़ी बड़े रूम के अंदर,
जहाँ पर ये सभी लोग देखकर काफ़ी शौक में होते हैं और इन्हें किंग पिंग से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। यहाँ पर अब इन्हें पता चलता है कि इनके अलावा भी कई और स्पाइडरमैन भी हैं, जहाँ पर ये सभी के सभी अपनी स्टोरी बताते हैं कि मुझे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा और सारी स्टोरीज, जहाँ पे पीटर पार्कर उन्हें ये स्टोरी बताने से रोक देता है। यहाँ पे माइल्स मोरेल्स की पावर्स को भी वो डिफाइन कर रहा होता है, जहाँ पर ये सभी लोग माइल्स मोरेल को काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, जिस बात से माइल्स उस जगह से उदास होकर निकल जाता है। अब अपने अंकल के घर पर पहुंचता है, जहां पर वो अंदर झांकता है तो कोई भी उसे नहीं दिखता। फिलहाल वो उसके लिए एक लेटर लिख रहा होता है, तभी एक बंदा अंदर की तरफ आता है जो कि पिंग पिंग के साथ काम ही कर रहा होता है और वो माइल्स के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो माइल्स का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर माइल्स सभी के सभी स्पाइडरमैन को मिलता है। फाइनली यहाँ पर सभी लोगों ने पेन ड्राइव को बना लिया होता है या फिर कहूँ उस वायरस को। अब यहाँ पर सभी लोग को पता चलता है कि माइल्स आया है और कुछ दुश्मन भी साथ में ले आया है, तो माइल्स के हाथ में वो चॉकलेट होती है। तभी माइल्स अपना चेहरा दिखा देता है अपने अंकल को, जिससे उनका अंकल काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब यहाँ पे किंग पिन उसे मारने की कोशिश करता है और अंकल को गोली लग जाती है, जिससे उसके अंकल एरॉन मर जाते हैं। किंग पिन को पीछे से एक किक पड़ती है बाय स्पाइडरमैन और माइल्स अपने अंकल को लेकर जाता है, जहाँ पर उनके अंकल की डेथ हो जाती है और माइल्स काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। जहाँ पे माइल्स के डैड को पता चलता है और माइल्स के डैड को लगता है कि स्पाइडरमैन ने ये किया है। फाइनली सभी लोग माइल्स को समझाने के लिए आते हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि तुम लोग नहीं समझोगे। सभी लोग बताते हैं कि हमने सभी को किसी ने खोया है। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि हम लोग जा रहे हैं किंग पिंग के अड्डे पर, जहाँ पर वो सभी लोग माइल्स को बांध देते हैं, क्योंकि माइल्स भी उनके साथ जाने की ज़िद करता है और माइल्स कुछ भी नहीं कर पाता सिर्फ उन्हें जाते हुए देखने के अलावा। डैड आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि हम काफ़ी लंबे समय से अलग अलग हैं। यहाँ पे माइल्स भी उनसे कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो बंधा हुआ था वेब के साथ। इसलिए उसकी डैड उस जगह से निकल जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते। माइल्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो पूरे के पूरे वेब्स को ही फाड़ देता है। तो आंट मे से मिलने जाता है, तो आंट पे कहती काफ़ी देर लगा दी बच्चे, और वो अपने सूट को प्रिपेयर करता है और यहां से वो अपनी पहली उड़ान भरता है। स्पाइडरमैन ने एक डायलॉग कहा था कि हमें नहीं पता कि हम कब सही कर रहे हैं, बस एहसास हो जाता है उस चीज़ का, और माइल्स अब इस चीज़ के लिए रेडी था। सभी लोग पहुंच जाते हैं किंग पिन के उस अड्डे पर जहां पे कोलाइडर ऑन होने वाला था, और ये सभी लोग देखते हैं जहां पर हमारा स्पाइडरमैन एमजे को देखकर फिदा हो जाता है और वहां पे बकबक करने लगता है। दूसरी तरफ ऑक्टो ऑक्टेवियस को दिखाया गया, जो कि कोलाइडर को पूरी तरह से ओपन करने के लिए रेडी होती है, और दूसरी तरफ से हमारी स्पाइडी टीम आ चुकी थी। इनकी एंट्री होती है क्योंकि वो भी कोलाइडर को ऑन होते हुए देखना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ दो ही लोग को बुलाना चाहता था अपने पास, अपनी बीवी और बच्चे को। दूसरी तरफ सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और कहते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा बुरा है, लेकिन हम में से किसी एक को रुकना होगा। तो स्पाइडरमैन कहता है मैं रुकूंगा, यानी पीटर बी पार्कर। खैर यहाँ पर ये लोग प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, तभी इन पर ऑक्टो ऑक्टेवियस हमला करती है और सभी किसी न किसी बंदे के साथ खेलने लगते हैं। तभी ऑक्टो ऑक्टेवियस को दर्द महसूस होता है और ये किसी और ने नहीं माइल्स मोरेल ने किया होता है, क्योंकि वो इनविजिबल होकर डॉक्टर ऑक्टेवियस की फाड़ रहा होता है। वो ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा से ही मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते रहे हैं। तो फाइनली सभी के सभी स्पाइडर्स जाने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों भी आपस में बात करते हैं, जहाँ पे किंग पिन इनके सामने खड़ा होता है और स्पाइडरमैन से फाइट करने वाला होता है, जहाँ पे माइल्स कहता है तुम जाओ अपने यूनिवर्स में, और जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है क्योंकि बड़ी ताकतों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियाँ। और किंग पिन और माइल्स के बीच में एक फ़ाइट होती है और कोलाइडर को वो जाते हुए देखता है, जहाँ पे उसके डैड माइल्स को उठने के लिए कहते हैं स्पाइडरमैन उठ जाओ, एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वो किंग पिन को उठते ही काफ़ी ज़्यादा झटका देता है और यहाँ पर सारे कोलाइडर्स क्लियर हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स तक पहुँच जाते हैं और कोलाइडर बंद हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है स्पाइडरमैन के डैड को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। स्पाइडरमैन उन्हें कॉल करता है, यानी कि माइल्स, और कहता है कि मैं ठीक हूँ डैड, और वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिसके बाद उस माइल्स के काट देता है फ़ोन और स्पाइडरमैन बनके उनके सामने पहुंचता है और कहता है वैसे आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। वो बताता है कि मैंने आपके पीछे कुछ छोड़ दिया है, और वो छोड़ा होता है उसने किंग पिन को, जो कि किंग पिन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। फाइनली सभी दुनिया वाले इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा नया स्पाइडरमैन आ चुका है। अब वो और उसके डैड मिलकर सारी चीज़ें करते हैं, जिस पर माइल्स स्टोरी के पीछे पीछे बताता भी है कि उसकी तरह कुछ और लोग भी हैं जिसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो दुनिया में अकेला स्पाइडरमैन नहीं है। यहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जहाँ पर पीटर बी पार्कर मैरी जेन से भी मिलने जाता है अपने यूनिवर्स में।
खैर, अब यहाँ पे माइल्स मोरेल्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने बेड पर लेटा होता है, तभी एक और पोर्टल ओपन होने लगता है और स्टोरी वहीं पर एंड होती है। 67 के स्पाइडरमैन को दिखाया गया है जो कि फ्यूचर में सेट है और अब वो पास्ट में जाता है। एक मतलब ये एक कॉमेडी टाइप सीन था जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड होती है। मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।